Hello and welcome everyone. In this video, we will learn about evolution of seed habit in plants and the role of heterospory in manifesting seed habit. The topic is related to BSc third semester students of Kurukshetra University, Kurukshetra, and it is prepared under the guidance of Department of Higher Education, Haryana. And myself, Dr. Nidhan Singh, Associate Professor of Botany at IB College, Panipat. The first question is, what is a seed? A true seed, this word is important. True seed is a ripened ovule which consists of an embryo. It contains nutrition to sustain the embryo till it germinates and starts photosynthesis. जब तक embryo या seedling अपने आप को खुद sustain करने के लायक नहीं होता, आम तौर पर seeds में इतना material, nutritional material होता है. क्या सभी plants seed produce करते हैं? No. सभी plants seeds produce नहीं करते. सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स आर नोन एज स्पर्मेटोफाइट्स, जिसमें दो ग्रुप्स आते हैं प्लांट्स के, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. अब कुछ टर्म्स हैं नीचे, आप कोशिश करें, मुझे लगता है शायद आपको याद होंगी. आर्किगोनिएट्स, ट्रैकियोफाइट्स, एम्ब्रियोफाइट्स, क्रिप्टोगैम्स, फेनेरोगैम्स. इनमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें सिर्फ सीड प्लांट्स हैं? आर्किगोनिएट्स, ट्रेकियोफाइट्स, एम्ब्रियोफाइट्स, क्रिप्टोगैम्स या फेनेरोगैम्स, कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें सिर्फ सीड प्लांट्स आते हैं? थोड़ा सा और जानते हैं इनके बारे में. तो आर्किगोनिएट्स क्या हैं? आर्किगोनिएट्स वो प्लांट्स हैं जिनमें आर्किगोनिया प्रोड्यूस होते हैं, आर्किगोनिया बनते हैं. और द आर्किगोनिएट्स इंक्लूड ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स. बट इन दिस ग्रुप ओनली जिम्नोस्पर्म्स आर एबल टू प्रोड्यूस सीड्स. इट मीन्स आर्किगोनिएट्स इज नॉट द ग्रुप विच वी आर लुकिंग फॉर. ट्रैकियोफाइट्स, ट्रैकियोफाइट मीन्स वेस्कुलर प्लांट्स, जिनमें वेस्कुलर सिस्टम जाइलम एंड फ्लोएम डेवलप होता है. इट मीन्स दिस ग्रुप स्टार्ट्स फ्रॉम टेरिडोफाइट्स ऑनवर्ड्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. इन दिस ग्रुप जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स प्रोड्यूस सीड्स बट टेरिडोफाइट्स डू नॉट. इट मीन्स दिस ग्रुप इज ऑल्सो नॉट एक्सक्लूसिवली सीड प्रोड्यूसिंग ग्रुप. सो वट आर एम्ब्रोफाइट्स? एम्ब्रोफाइट्स इंक्लूड ऑल लैंड प्लांट्स स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रायोफाइट्स टू एंजियोस्पर्म्स. नाउ हेयर वी कैन सी Bryophytes and pteridophytes do not produce seeds. The seeds are produced in gymnosperms and angiosperms. And what are cryptogams? These are non-seed plants, जिनमें seeds नहीं बनते. Crypto means hidden, gams means seeds. तो इनमें seeds hidden रहते हैं. Algae to pteridophytes, this entire group is without seed plants. Phanerogams. Now this is the group in which both the members produce seeds, gymnosperms as well as angiosperms. तो this is the group जो मैंने अभी सवाल आपसे पूछा था कि इनमें से कौन सा ग्रुप है जो सीड प्लांट्स का ही बना हुआ है. तो phanerogams is the group which is made up of seed plants only. अब हम देखते हैं कि प्लांट्स में evolutionary trends क्या रहे हैं. जो सबसे प्रिमिटिव प्लांट्स हैं, जो सबसे सिंपलेस्ट प्लांट, जिनको लोअर प्लांट्स बोलते हैं, फंजाई को यहाँ से हमने बिल्कुल अलग कर दिया है बिकॉज दे आर नॉट हैविंग क्लोरोफिल एंड उनकी जो एवोल्यूशनरी लाइन है वो बिल्कुल अलग है. तो प्रिमिटिव प्लांट्स, लोअर प्लांट्स जिनको बोलते हैं, वो एक्वेटिक रहे हैं. आप देखना ट्रांजिशन कैसे हो रही है. जो उससे अगला ग्रुप है, जो थोड़े से एडवांस्ड हैं एल्गे से, उनको हम ब्रायोफाइट्स बोलते हैं एंड दे बिकम एम्फीबियस. मीन्स दे कैन ग्रो इन द हैबिटेट्स वेयर वाटर इज अबंडेंट बट दे कैन स्लाइटली लिव विदाउट वाटर आल्सो. नाउ इन द नेक्स्ट ग्रुप
फर्दर द प्लांट्स टेरिडोफाइट्स हैव मोर टेरेस्ट्रियल हैबिट एंड दे हैव ए वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम आल्सो। फर्दर एवोल्यूशन लेड टू प्रोडक्शन ऑफ सीड्स, जिम्नोस्पर्म्स दे प्रोड्यूस सीड्स एंड द प्लांट्स आर मोस्टली लैंड प्लांट्स, दे आर टेरेस्ट्रियल एंड द हाइएस्ट इवॉल्व ग्रुप ऑफ प्लांट्स इज एंजियोस्पर्म्स इन विच सीड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड द प्लांट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेरियस हैबिटेट्स इंक्लूडिंग aquatic habitats, terrestrial habitats, so many habitats are there. So these are evolutionary trends in plants. You can see, you can have a general trend. In general, the evolution followed this trend. The plants tend to become terrestrial. From aquatic, they went to terrestrial habitats and from seedless to seeded plants. Now, most important change which we have not discussed so far in this evolutionary process is reduction of gametophyte and independent nature of sporophyte. You can see here, this is a diagram showing the gametophyte which is dominant and sporophyte is completely dependent upon the gametophyte, and this occurs in lower plants. The bryophytes, the spores are produced, they again germinate to produce the gametophyte. Gametophyte is dominant and sporophyte is dependent upon the gametophyte. In further next group, the sporophyte becomes dominant. In pteridophytes, the sporophyte is dominant and the gametophyte is produced, which is independent, but it is very short-lived and small. It has to live on its own. In the next group of plants, the seed plants, spermatophytes, the sporophyte is completely independent and dominant phase in the life cycle. The male as well as female gametophytes are produced on the sporophyte. So this is very important character of seed plants, that the gametophyte is reduced and completely dependent upon the sporophyte. So you can see this group is primitive and this group is advanced. Now we will discuss the process of seed formation, how this process would have started in nature. You know, the pteridophytes are non-seed bearing plants and the next group, gymnosperms, are seed bearing. तो इज देयर ए सडन जंप, एकदम से टेरिडोफाइट्स में सीड्स नहीं बनते और जिम्नोस्पर्म्स में सीड बनने शुरू हो गए, ऐसा है? या इज देयर सम कनेक्टिंग लिंक और द प्रोसेस विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन? देयर मस्ट बी सम कनेक्शन बिटवीन नॉन सीड बीरिंग टेरिडोफाइट्स एंड सीड बीरिंग जिम्नोस्पर्म्स. वी विल ट्राई टू फाइंड आउट दैट कनेक्शन, वेयर इट इज प्रेजेंट. Now the very important phenomenon which occurred in some pteridophytes is heterospory. This is very important phenomena in the plant life. It first started in some pteridophytes, and in one of the pteridophytes named Selaginella, this process reached to its climax. The Selaginella produced microspores which are large in number, and they are produced in male strobilus, and the megaspores, they are produced in a number, in a fixed number, only 4 per megasporangium, and in female strobilus. This is very important advancement in pteridophytes. We will see this more. Most of the pteridophytes are homosporous, means they do not produce different kinds of spores. But these 7 genera of pteridophytes are not homosporous. One of them is Selaginella, Isoates, Azolla, Regnelidium, Marsilia, Pilularia, and Salvinia. These 7 genera are heterosporous. They have started producing different kinds of male and female spores.
So when we see a homosporous plant, the sporophyte produces single type of spores. The spores germinate and the gametophyte produced is usually bisexual, on which both kinds of gametangia are produced, means the same gametophyte may produce eggs as well as sperms. In most of the pteridophytes, this phenomenon is found. In heterosporous plants, the sporophyte produces microspore and megaspore. The microspore germinates to produce male gametophyte. The male gametophyte ultimately produces the male gamete, which is known as sperm. The megaspore gives rise to female gametophyte, and the important thing is that gametophyte is present inside the spore wall, and this gametophyte finally gives rise to eggs. We will see something more in this regard. So in heterospore, different spores are produced. The spores are not only different in size, they are different in numbers also. The smaller spores are known as microspores, and the larger ones are known as megaspores. The microspores on germination produce male gametophytes, and the megaspores produce female gametophytes. So here the heterospore means production of different types of spores. They are not different only in number and size, they are different in their sexuality also. The microspores produce male gametophyte, the megaspores germinate to produce female gametophyte, and this happens in Selaginella. You can see here, this is the sporophyte. This sporophyte produces different types of sporangia, microsporangia and megasporangia. The spore mother cells of different sporangia produce different types of spores. Microsporangia produces microspores, and the megasporangium produces megaspores. The microspores germinate to give rise to male gametophyte or microgametophyte, which produces sperms. The megagametophyte gives rise to egg, and these haploid gametes fuse to form a diploid sporophytic generation. So this is the haploid phase of life, and this is the diploid phase of life. The sporophyte is diploid and dominant. So what is the actual significance of heterospore? What is the advantage, or what evolutionary advantage this phenomenon may be having? We must know the first important change, very remarkable change occurred along with this production of different kinds of spores. The megaspore started to remain inside the megasporangium. This not only remained inside the megasporangium, it even germinated there. So when this megaspore lies within the megasporangium, and megasporangium is already attached to the parent sporophyte, it gets better nutrition, and sometimes in one of the species of Selaginella, in advanced pteridophytes, even a next generation of sporophyte is produced while the megaspore is present on the parent plant. Therefore, the ripe megaspore of Selaginella resembles the seed of spermatophytes. This I have put in quotation marks because it actually is not a seed, but it is almost equivalent to seed of spermatophytes, the seed plants. So the first spermatophytes, like the gymnosperms, they are with seeds which are not covered with fruit wall and therefore naked. Here even the seed coat is missing in this Selaginella. And some species of Selaginella even show viviparity. What is viviparity? Viviparity means the seeds even germinate on the parent plant before being dispersed, before being detached.
सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स, दीज आर एवोल्यूशनरी स्टेप्स विच हेल्प टू एस्टेब्लिश सीड हैबिट इन सिलेजिनेला. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्पोरोफाइट बिकम्स इंडिपेंडेंट एंड इट बिकम्स एक्सटेंडेड इन ड्यूरेशन. इट्स लाइफ इज लॉन्गर कंपेयर टू गैमेटोफाइट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट स्पोरोफाइट बिकम्स इंडिपेंडेंट. ये न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट हो जाता है और इसकी लाइफ का जो टेन्योर है वो गैमेटोफाइट से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है. दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट भी हो गया है और इसने दो तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज हीट्रोस्पोरी. जो छोटे वाले स्पोर्स हैं, बार बार ये चीज़ें हम रिपीट कर रहे हैं इस चीज़ को समझने के लिए, जो छोटे वाले स्पोर्स हैं, माइक्रोस्पोर्स हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर एंड दे बिहेव एज मेल स्पोर्स. द मेगा स्पोर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द मेगा स्पोर्स आर हाईली रिड्यूस्ड इन नंबर. चार बने थे मेगास्पोरेंजियम में और चार में से सिर्फ एक बचता है. होमोस्पोरस जो टेरिडोफाइट्स हैं उनमें इस तरह का कोई भी फिनोमिनन नहीं है. तो जो मेगास्पोर सिर्फ एक बचेगा उसको और अच्छी न्यूट्रिशन मिलेगी. तो हर मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर्स आर हाईली रिड्यूस्ड एंड ओनली वन इज एबल टू सर्वाइव. नाउ फर्दर, दिस मेगास्पोर इज नॉट ओनली रिटेन्ड, ये सिर्फ मेगास्पोरेंजियम के अंदर रहता ही नहीं है बट इट आल्सो जर्मिनेट्स. मेगास्पोर से मेगा गैमेटोफाइट प्रोड्यूस होना होता है और नॉर्मली जो होमोस्पोरस फर्न्स हैं उनमें स्पोर इज रिलीज्ड और गैमेटोफाइट हैज़ टू सिक्योर इट्स ओन न्यूट्रिशन. पर यहाँ पे क्या है, द मेगास्पोर जर्मिनेट्स इनसाइड द मेगा मेगास्पोरेंजियम टू प्रोड्यूस मेगा गैमेटोफाइट एंड इट इज़ स्टिल अटैच्ड टू स्पोरोफाइट. सो इट्स न्यूट्रिशन पार्ट इज सिक्योर्ड, इसको न्यूट्रिशन अच्छी मिल रही है. तो ये एक एडवांस फीचर है, एडवांटेज है, एवोल्यूशनरी एडवांटेज इसको हम कह सकते हैं. वहीं पर मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही एग भी बन जाता है, उसकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है, एम्ब्रियो भी बन जाता है एंड मेगास्पोर अब भी अपनी ओरिजिनल साइट पे मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही प्रेजेंट है. और ये जो रिटेन्ड मेगास्पोर है इसके बेटर चांसेस हैं न्यूट्रिशन के. आप समझ सकते हैं इस बात को कि अगर इस मेगास्पोर को डिटैच होके जाना पड़े, अगर ये डिटैच होके अपने पेरेंट प्लांट से दूर चला जाए तो जो गैमेटोफाइट बनेगा उसको अपना फूड बनाना पड़ेगा. जैसे फर्न्स में प्रोथेलस बनता है और वो अपना फोटोसिंथेसिस शुरू करता है, इस तरह से इसको नहीं करना पड़ रहा. इसकी न्यूट्रिशन जो है वो बहुत सिक्योर हो जाती है इस वजह से. एंड दिस प्रोसेस द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स एज वेल एज रिटेंशन ऑफ दिस मेगास्पोर इन द मेगास्पोरेंजियम इज ए क्लियर एवोल्यूशनरी एडवांटेज. सम स्पीसीज ऑफ सिलेजिनेला दे शो द सीड हैबिट टू वेरी एडवांस्ड स्टेज बिकॉज द राइप मेगास्पोर विच इज इक्वलेंट टू एम्ब्रोसैक इज नॉट शेड फ्रॉम ओव्यूल. द राइप मेगास्पोर इज नॉट शेड फ्रॉम द मेगास्पोरेंजियम विच इज इक्वलेंट टू ओव्यूल एंड इट रिमेन्स परमानेंटली विद इन इट. दिस एम्ब्रोसैक इज ए स्ट्रक्चर ऑफ सीड प्लांट्स, दिस ओव्यूल इज ए स्ट्रक्चर ऑफ सीड प्लांट्स. सो हेयर द मेगास्पोर एज वेल एज द मेगास्पोरेंजियम दे रिजेंबल देयर हायर प्लांट काउंटर पार्ट्स. दिस मेगास्पोर रिमेन्स परमानेंटली इन द मेगास्पोरेंजियम. दिस मेगास्पोर इज फर्टिलाइज्ड, द एग इज प्रोड्यूस्ड एंड इट इज फर्टिलाइज्ड एंड समटाइम्स ए वेरी एडवांस्ड बट मैनी टाइम्स ए सिंपल एम्ब्रियो इज प्रोड्यूस्ड while it is still in its original position. In this species, Selaginella rupestris, this embryo even germinates at its site of production and future sporophyte is produced. You can imagine the sporophyte, the future sporophyte produced on the same plant on which the previous sporophyte, on the previous sporophyte. But one thing we must know here that this seed-like structure in Selaginella is different from typical seed because it is not having this seed coat or testa.
और वो सीड कोट और टेस्टा क्यों नहीं होता इसमें, क्योंकि ओव्यूल के चारों तरफ इंटेगुमेंट्स नहीं होते। मेगास्परेंजियम के अंदर मेगास्पोर है, वो डेवलप हो रहा है, लेकिन मेगास्परेंजियम और ओव्यूल इज़ नॉट कवर्ड बाय एनी ऑफ इंटेगुमेंट्स, और इस वजह से इसको ट्रू सीड कहना उस हिसाब से ठीक भी नहीं है। इट इज़ नॉट ए ट्रू सीड, बट इट इज़ ए सीड लाइक स्ट्रक्चर। एंड वन मोर डिफरेंस इज देयर, इट नॉर्मली डू नॉट हैव ए डोरमेंसी पीरियड लाइक द अदर सीड्स हैव, बट दिस थिंग इज़ क्लियर दैट ड्यूरिंग एवोल्यूशन दिस प्रोसेस हैज़ डेफिनेटली प्लेड ए रोल इन एस्टेब्लिशिंग सीड हैबिट इन हायर प्लांट्स। सो वी मस्ट कंपेयर दैट सीड विद द ट्रू सीड ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। हेयर यू कैन सी दिस इज द फीमेल कोन, दिस इज द फीमेल कोन ऑफ ए जिम्नोस्पर्म एंड ओव्यूल इज प्रेजेंट, दिस इंटेगुमेंट इज कवरिंग इट, दिस मेगास्परेंजियम, दिस स्ट्रक्चर इज मेगास्परेंजियम एंड ए मेगास्पोर इज प्रेजेंट, इट इज अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल। सो हेयर ऑल्सो इन सेलेजिनेला ओनली वन मेगास्पोर सर्वाइव्स, सेलेजिनेला इन सेलेजिनेला ऑल्सो ओनली वन मेगास्पोर सर्वाइव्स, हेयर ऑल्सो इन सीड प्लांट्स दिस हैपन्स। नाउ फर्दर, दिस ओव्यूल इज फर्टिलाइज, द एग इज प्रोड्यूस्ड, द मेल गमिटोफाइट इज जर्मिनेटिंग हेयर, द फीमेल गमिटोफाइट हैज़ कम्प्लीटली डेवलप्ड, द स्पर्म इज रिलीज एंड इट इज गोइंग टू फर्टिलाइज दिस एग। दिस फर्टिलाइज्ड ओव्यूल ऑफ सीड प्लांट्स इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू वट हैपन्स इन सेलेजिनेला बिकॉज द मेगास्पोर इज रिटेन्ड इन सेलेजिनेला ऑल्सो एंड द एग्स डेवलप एंड दे आर फर्टिलाइज। सो दिस प्रोसेस, इट मीन्स द सीड फॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन प्रोबेबली स्टार्टेड अपियरिंग इन सेलेजिनेला। एंड वेन वी कम्प्लीट इट, वेन दिस प्रोसेस इज कम्प्लीटेड, द सीड फॉर्मेशन इज कम्प्लीटेड, दिस इज द एम्ब्रियो विच वी कैन कॉल ए न्यू स्पोरोफाइट, दिस इज द फूड सप्लाई ऑफ द फीमेल गेमेटोफाइट इन एडवांस प्लांट्स, वी कैन कॉल इट एंडोस्पर्म। द सीड कोट इज डिराइव फ्रॉम द इंटेगुमेंट ऑफ द ओव्यूल। नाउ हेयर इज द डिफरेंस, द इंटेगुमेंट इज प्रेजेंट हेयर बट इट इज नॉट फाउंड इन सेलेजिनेला, यू कैन नोट दिस डिफरेंस ऑल्सो। So what are the advantages of seed habit? What are the possible advantages? Definitely the seed plants have some advantages over non-seed plants, and these advantages include the embryo, multicellular embryo definitely gets a very good head start. It has a very good chances of germination because there is a lot of stored food in the embryo. द स्टोरेज मटीरियल ऑल्सो हेल्प्स इन पासिंग द रिक्वायर्ड डोरमेंसी पीरियड, क्योंकि जब सीड बनता है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस सीजन में सीड बना है उसी सीजन में जर्मिनेशन की कंडीशंस प्रॉपर हो, तो अगर डोरमेंसी पीरियड है तो सीड अनफेवरेबल कंडीशंस को पास कर सकता है, तो जो स्टोरेज मटीरियल बना है सीड प्लांट्स में, जो सीड प्लांट्स में स्टोरेज मटीरियल होता है, इट हेल्प्स इन पासिंग द रिक्वायर्ड डोरमेंसी पीरियड। नॉन सीड प्लांट्स के कंपेरिजन में जो स्पोर से जिनको जर्मिनेट करना पड़ता है, जिनको स्पोर से अपने आप को प्रोपगेट करना होता है, सीड्स आर लार्जर, मोर कॉम्प्लेक्स एंड मच रेजिस्टेंट टू हार्श कंडीशंस देन ए स्पोर। एंड अनदर थिंग इज सीड्स के पास डिस्पर्सल अडेप्टेशंस, डिस्पर्सल मैकेनिज़म्स डिवेल्प करने की कैपेसिटी स्पोर के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। तो वी कैन कंक्लूड दैट सीड हैबिट हैज़ गिवन क्लियर एडवांटेज टू प्लांट्स एंड दिस हैबिट हैज़ स्टार्टेड अपियरिंग इन सम एडवांस्ड टेरिडोफाइट्स एंड द मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज सेलेजिनेला। तो जो सीड हैबिट वाला इतना इम्पोर्टेंट फिनोमिनन है, शायद इस वीडियो से आपको ये अंदाज़ा लगा होगा कि ये सीड हैबिट कहाँ पर शुरू हुई है। और हम ये कह सकते हैं कि जो सिंगल स्पोर्ड मेगास्परेंजियम है सेलेजिनेला का, जिसका एग भी फर्टिलाइज हो चुका है और जिसके अंदर एम्ब्रियो बन चुका है और अभी भी ये मेगास्परेंजियम के अंदर है, ये बिल्कुल उसी सीड की तरह है जैसा स्पर्मेटोफाइट्स में होता है।
इसमें वही वही चीज़ें हैं, वही करेक्टर्स हैं, सिंगल स्पोर्ड मेगास्पोरेंजियम, एग फर्टिलाइज्ड एंड इट हैज़ डेवलप्ड एन एम्ब्रियो एंड इट इज़ स्टिल सराउंडेड बाई मेगास्पोरेंजियम एंड दिस कैन बी रिगार्डेड एज द मॉर्फोलॉजिकल इक्विवेलेंट ऑफ सीड ऑफ स्पर्मेटोफाइट्स एंड बाई दीज वर्ड्स वी हैव डिस्कस्ड ए लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट मैनिफेस्टेशन ऑफ सीड हैबिट इन प्लांट्स. आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड सम ऑफ द बेसिक थिंग्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक. थैंक्स अ लॉट.